गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग लाइट स्टार्ट कर चुके थे लास्ट टर्न पे, है ना? क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे, 35 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, ठीक है। चलिए उससे पहले कुछ आपको लाइट के बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ें और बता दी जाएं जो कि हो सकता है पूछी जाएं आपसे। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज़, जैसे हमने आपको मिरर्स के बीच का इंट्रैक्शन बताया हुआ है कि जब दो मिरर आपस में किसी एंगल पर रखे होते हैं तो क्या होता है। अगर उनके बीच का एंगल ज़ीरो है प्लेन मिरर के बीच में, तो कितनी इमेजेस बनती, हमने निकाला था उस दिन, इन्फाइनाइट इमेजेस बनती। एक क्वेश्चन आपसे, एक क्वेश्चन इस तरह का पूछा जा सकता है, देखिए ध्यान से क्वेश्चन। दो मिरर हैं, प्लेन मिरर हैं, और दोनों को हमने, आपका दिख रहा है आपको, पैरेलली रख दिया है। मिरर M1 है ये, और ये दूसरा मिरर M2 है, ठीक है। ये जो है वो पूरा जो लेंथ है इसकी 100 सेंटीमीटर की है, ठीक है। लेंथ दोनों की सेम है, यहाँ से ये ज़ीरो से स्टार्ट होकर पूरा 100 तक जाएगा, ठीक है। अब ये इस तरह से आपको दो मिरर, क्या दिक्कत क्या हो रही भाई? किसका ऑडियो दिक्कत कर रहा है भाई? किस 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 नाम से? श्रद्धा द्विवेदी। बेटा अपना माइक बंद करिए, हाँ माइक सभी लोग ऑफ रखें, देखिए। हाँ, और एक चीज़ और दी है कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, हाँ बेटा माइक अपना ऑफ रखें सभी लोग, ठीक है। माइक आप लोग अपना, सभी लोग जैसे ही ज्वाइन होने के बाद माइक बंद कर दिया करिए। दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दे रखी है। एक लाइट रे है, वो लाइट रे यहाँ से आ रही है बाहर से कहीं, और यहाँ पे ये हिट करती है ज़ीरो मार्क के पास, ठीक है। तो ये जो लाइट रे है इसका एंगल भी आपको दे रखा है, कितने एंगल पे आ रही है ये एंगल, मान लीजिए 45 दिया हुआ है, ठीक है। 45 डिग्री पे मान लेते हैं ये लाइट रे आपकी आके इंसिडेंट हो रही है। अब आपको पता है ये 45 एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, है ना? एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ना ये 45, ये नॉर्मल बनाया हमने बीच में, इतना तो सबको क्लियर है, सब बच्चों को बेसिक। अच्छा आप, हाँ अरे अरे नहीं 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 नहीं, वो थोड़ा गलत बन गया, सिल्वर साइड पे नहीं है, सिल्वर साइड पीछे है, ठीक है। सिल्वर साइड पे कैसे हो सकती है, ये ऐसे है, ठीक है, ऊपर सही बना था, यहाँ पे गलत हो गया। अब ये आपको पता है कि जो रिफ्लेक्शन है वो भी 45 पे ऐसे होगा, ऐसे कहीं जाएगी, हाँ ये 45 पे होगा। आपसे पूछ रहा है कि 100 लेंथ का, 100 सेंटीमीटर लेंथ का प्लेन मिरर है, तो इस तरह के कितने रिफ्लेक्शंस यहाँ पे होंगे और तब तक प्लेन मिरर ख़त्म हो जाएगा, यानी रे चलती चली जा रही है अभी तो। 10, एक जवाब आया 10, बाकी लोग बताएं, ट्राई करें। अरे जो लगेगा लगाओ इसमें, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ लगा दोगे उठा के, ज्योमेट्री लगेगी इससे सिंपल, ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ क्या यूज है, ज्योमेट्री लगाओ सिंपल। ये भी 10 है, टेन रिफ्लेक्शंस। देखिए ये 10 है, ये 45 है, ये तो 90 होगा क्योंकि नॉर्मल है ये, तो ये कितना हो जाएगा 45, ये दोनों 45 हैं, तो ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगी, आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, ये भी 10 हो जाएगा, ये वाली नॉर्मल जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब ये यहाँ से देखिए 10 0 से 10 के बीच में जा रहा है, बताइए अगला जो रिफ्लेक्शन के लिए इंसिडेंस होगा वो कहाँ पे होगा, 20 पे, हाँ ठीक है 20 पे होगा, यानी ये वाली जो डिस्टेंस होगी अंदर वाली ये होगी 20, इसका मतलब 10 10 पे वो रिफ्लेक्शन होता चला जा रहा है। तो पहला रिफ्लेक्शन 0 0 तो कोई पॉइंट नहीं होता, 0 के पास होगा ना, 0 समथिंग पे हुआ होगा यहाँ पे, तो पहला अगर यहाँ पे हो रहा है तो आप 10 10 की गैपिंग करते चले जाइए,
10 के बाद जो 11th होगा वो 100 पॉइंट समथिंग पे होगा ना, यहाँ पे जब इंसिडेंट होगा। हाँ, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे? 10 हो गए। ये सबको समझ में आया? बोलो, सबको समझ में आया? देखिए, पहला हमने जीरो पे लिया है, जीरो नहीं होता है, बताया भी हमने, तो जीरो पॉइंट समथिंग पे वो होगा। दूसरा 10 पे है, अगला 20 पे होगा, अगला 30 पे होगा, 40 पे होगा, ऐसे करते चले जाइए आप। तो देखिए जाके 100 के पास वाला जो पहुंचेगा आपका वो 11th होगा। तो इसका मतलब टोटल 10 हो रहे हैं यहाँ पे। समझ में आया सबको? नहीं आया तो बताइए, फिर से समझा देते हैं। समझ गए? हाँ। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन सी में आगे एक इस तरह का क्वेश्चन भी आएगा, मतलब आ सकता है। से एक आपका मिरर है, ठीक है, इस पर एक रे इंसिडेंट हो रही है इस तरह से, और ये रे आपकी यहाँ से 15 डिग्री का एंगल बना रही है। आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे? ये देखकर आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ डेविएशन ऑफ इंसिडेंट रे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, यानी डेविएशन एंगल पूछ रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन बताइए। 30 आंसर सबका सही, सभी लोग का यही आ रहा है। हाँ हाँ ठीक है। देखो ये रे यहाँ पे आई, तो ये इस तरह से जब इंसिडेंट, ये इंसिडेंट रे हुई मान लेते हैं, दूसरी जो रे होगी रिफ्लेक्टेड रे वो ऐसे कुछ जाएगी, बोलो। हाँ, आपको पता है ये जो एंगल दिया है ये ग्लांसिंग एंगल है ना, ठीक है। हाँ, तो जो ग्लांसिंग एंगल इधर बन रहा होता है इंसिडेंट रे के साथ, उतना ही यहाँ बनता है, इसको याद रखिएगा। ये भी 15 होता है दोनों साइड का। आप निकाल भी सकते हैं, आप बीच में नॉर्मल बना के निकालिए, तब भी वही आएगा। देख लो, ये आप नॉर्मल बनाते हैं बीच में, तो नॉर्मल बनाइए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस ये कितना होगा? ये 75 होगा, तो ये भी 75 होगा, ठीक है। तो पूरा 180 है, तो ये 15 ही आएगा। तो डायरेक्ट याद रखो, ये दोनों तरफ का जो सरफेस के साथ एंगल है जिसको ग्लांस एंगल बोलते हैं, वो इंसिडेंट रे भी और रिफ्लेक्टेड रे भी सेम बनाती है, बिल्कुल। अब आप देखिए, अगर ये डेविएट नहीं हुई होती, हमने पिछली बार ही आपको बताया था, अगर ये डेविएट नहीं हुई होती तो ऐसे जाती, बोलो सीधी। हाँ, ये ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये डेविएट हो गई। डेविएट होके कहाँ गई है? ये हो गई ना डेविएट, ये ओरिजिनल थी, ओ से मान लेते हैं। तो ओरिजिनल रे और डेविएशन रे के बीच का एंगल निकालना है आपको, तो बताओ ये 15 है तो ये भी 15 होगा, तो ये पूरा 30 हो गया, क्लियर। हाँ, तो ऐसे निकालते हैं, क्लियर है सबको? कोई दिक्कत, किसी बच्चे को कोई डाउट? हाँ, कह सकते हैं, सही है, कह सकते हैं, सही है। देखिए, लाइट के बारे में आप सब जानते होंगे, थोड़ा सा हिस्ट्री के ऊपर भी बात कर लेते हैं। लाइट के बारे में सबसे पहले फिजिक्स में कौन काम कर रहा था? मेनली नाम किसका आता है फिजिक्स में? न्यूटन का, है ना, न्यूटन ही तो है सबसे ज़्यादा काम, इनिशियली इन्होंने किया। तो न्यूटन ने साउंड के ऊपर काफ़ी सारा काम किया था, ठीक है। तो वहीं से, अब न्यूटन को लोग बहुत ज़्यादा मानते थे, तो सबसे पहली थ्योरी लाइट के बारे में न्यूटन ने ही दी थी। न्यूटन ने कहा था लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर शो करती है। कैसा? पार्टिकल नेचर शो करती है, और इन पार्टिकल्स को न्यूटन ने कॉर्पस्कल्स कहा था, ठीक है, कॉर्पस्कुलर थ्योरी इनकी थ्योरी का नाम था। अब पार्टिकल नेचर शो करती है, मास होता नहीं है लाइट के पास, ठीक है, पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में ही वो चलती है। तो उन मासलेस पार्टिकल्स को जो हाईली एनर्जेटिक होते हैं उनका नाम इन्होंने कॉर्पस्कल्स का दे दिया था, और थ्योरी कॉर्पस्कुलर थ्योरी कहलाई। हालांकि उतने टाइम पे एक और साइंटिस्ट थे, उनका नाम था हाइगन, ठीक है। हाइगन जो थे उन्होंने बताया कि नहीं, लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर शो नहीं करती है, लाइट जो है वो वेव नेचर शो करती है। और लेकिन उनके पास भी थ्योरी थी सिर्फ बताने के लिए, कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं था। तो लोगों ने कहा कि भाई हम तुम्हारी बात क्यों माने, न्यूटन की क्यों ना माने, क्योंकि न्यूटन ने उससे पहले बहुत सारी चीज़ें बता चुके थे, कैलकुलस पूरी डेवलप कर चुके थे। तो लोगों ने न्यूटन की बात पे ज़्यादा भरोसा किया, और ऑब्वियस सी बात है आज भी अगर ऐसा हो तो लोग उसकी बात पे ज़्यादा भरोसा करेंगे ना, जिसने और उसी फील्ड में और सारे काम कर रखे हैं। हाइजेंस तो नए नए थे उनके सामने। तो करीब 100 साल तक न्यूटन की ये थ्योरी चलती रही। देखो थ्योरी क्या थी, सब आप लोग पढ़ चुके हैं उसके बारे में। तो उसमें आप जो बेसिकली पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो न्यूटन ने जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दिया था वो क्या था, देखिए, ये लाइट रेयर मीडियम है मान लेते हैं,
और ये डेंसर मीडियम है दूसरा वाला। तो हम क्या पढ़ते हैं कि डेंसर मीडियम में लाइट क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, बेंड हो जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड हो जाती है पढ़ते हैं ना। बेंडिंग को तो न्यूटन ने बताया कि हाँ लाइट बेंड हो जाएगी, ठीक है, लेकिन इन्होंने साउंड की डिस्कवरी उस टाइम पे साउंड वेव पे काम किया था। आपको बताएं साउंड में क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड डेंसर में ज्यादा होती है या रेरर में? हाँ, स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो डेंसर में ज्यादा होती है रेरर के कंपैरिजन में। तो इन्होंने यही लॉजिक यहाँ लगा दिया, इन्होंने कहा स्पीड ऑफ लाइट डेंसर में जाके बढ़ जाएगी और रेरर में कम रहेगी, मतलब उसके कंपैरिजन में। यानी जब भी रेरर टू डेंसर, अरे ये किसका माइक है, रिमूव करना पड़ेगा लग रहा मुझे। श्रद्धा द्विवेदी ये पढ़ने नहीं आई है, डिस्टर्ब करने आई है, रिमूव कर दे बेटा। हाँ, ये गलती से माइक ऑन हो जा रहा है, देखिए ध्यान से। तो ये इन्होंने क्या बताया, अपना यही लॉजिक यहाँ लगा दिया, ये लॉजिक यहाँ लगाया तो गलत हो गया। बोलो, बेंडिंग हो रही है भी सही बताया, लेकिन कहा डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा हो जाएगी। तो कैसा होता है हम सब जानते हैं, स्पीड कम हो जाती है उसी वजह से बेंडिंग होती है, या ये कह सकते हैं बेंडिंग की वजह से ही स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है, जो भी कुछ बोलिए आप। तो न्यूटन यहाँ पे गलत साबित हो गए उस, लेकिन उस टाइम पे किसी ने हाइजन की बात को माना नहीं, ठीक है, और 100 साल तक ये थ्योरी चलती रही न्यूटन की। उसके बाद आगे आके उस पे लोग बाकी लोगों ने काम किया। अब उसके बाद जब हाइजन ने जो बताया था कि ये वेव नेचर होता है, उसका रीज़न सिर्फ यही नहीं था कि डेंसर मीडियम में न्यूटन जो बता रहे थे वो गलत हो गया था, एक और रीज़न था, एक और रीज़न ये था कि लाइट अगर पार्टिकल है तो उस टाइम पे जैसे मान लीजिए टॉर्च है, ठीक है, ये टॉर्च है और इस टॉर्च से कोई इस तरह से पार्टिकल्स लाइट के निकल रहे हैं, एक दूसरी टॉर्च है यहाँ पर ऐसे ही, ठीक है, और इससे भी ऐसे ऐसे पार्टिकल्स निकल रहे हैं। सामने आपने कोई ऑब्स्टिकल रख दिया, ठीक है, कोई ऑब्स्टिकल सामने रख दिया इस तरह से, तो क्या होना चाहिए, ये अगर ये लाइट पार्टिकल से मिलकर बनी है तो इसकी जो अब रेज हैं, जो इमेज है वो कहाँ दिखेगी आपको बताइए, यहाँ पे दिखनी चाहिए ना ऐसे, ये इस एरिए में, यार इस एरिए में, बोलो इस एरिए में इमेज दिखनी चाहिए, और इसकी इमेज इस एरिए में दिखनी चाहिए, इसकी इमेज यहाँ दिखनी चाहिए, बोलो। लेकिन जब ऐसा किया गया तो क्या दिखा, बड़ा इंटरेस्टिंग था कि यहाँ पे एक इमेज बन रही थी, उसके बाद थोड़ी जगह छोड़ के यहाँ पे बन रही थी, फिर थोड़ी जगह छोड़ के यहाँ पे बन रही है, फिर यहाँ पे बन रही है, ऐसे बन रही है इमेजेस। यानी कहीं पे ब्राइट इमेज बन रही है, कहीं पे डार्क है, कुछ नहीं दिख रहा है, फिर ब्राइट इमेज, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। अब देखिए थी एस्टोनिशिंग चीज़, आप टॉर्च यहाँ से मार रहे हैं, पार्टिकल नेचर है, यहीं पे ब्राइटनेस दिखनी चाहिए थी सिर्फ, ये क्या हो रहा है कि ब्राइटनेस अल्टरनेट पॉइंट पे दिख रही है आपको बार बार, थोड़ी जगह छोड़ के फिर ब्राइट, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, इस तरह से। तो ये जो फिनोमिना होता है इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस। ये इंटरफेरेंस फिनोमिना एक्सप्लेन किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ वेव नेचर से। अगर आप लाइट को वेव मानेंगे तभी इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, अदरवाइज इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे आप। ये पहली कमी जो न्यूटन एक्सप्लेन नहीं कर पाए। एक और दूसरी चीज़ थी, वो क्या था कि जैसे मान लीजिए आप ये कोई स्क्रीन आपने रख दी सामने और यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल रख दिया है, ठीक है, ये कोई ऑब्स्टेकल है और यहाँ आपने लाइट ऐसे कोई टॉर्च रख दी और वहाँ से लाइट निकल रही है ऐसे। अब आप बताइए कि यहाँ पे इतने हिस्से में कोई इमेज नहीं बननी चाहिए लाइट की, बोलो, क्योंकि यहाँ तो ऑब्स्टेकल है, रोक रहा है, यानी यहाँ लाइट रेस को जितना जाना चाहिए ऐसे जाएंगी ये। हाँ, ये तो शेडो वाला एरिया होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी बहुत एस्टोनिशिंग चीज़ देखने को मिली। क्या देखने को मिली कि यहाँ भी इमेज बन रही थी और यहाँ भी बन रही थी, ऐसा लग रहा था लाइट रेज यहाँ तक इनक्रोच कर रही हैं और ये ऐसे इनक्रोच कर रही हैं। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है बेंडिंग ऑफ लाइट, है ना, कि लाइट बेंड हो जा रही है। अब ये पार्टिकल नेचर इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, न्यूटन नहीं समझा पा रहे थे कि ये क्यों हो रहा है, ये लाइट रे कैसे बेंड होकर यहाँ तक कैसे पहुँच गई। अगर वो पार्टिकल नेचर हो तो स्ट्रेट लाइन में उसको जाना चाहिए, जैसे हम पढ़ते हैं लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, यहाँ तो लाइट की बेंडिंग दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। यानी डिफ्रैक्शन और इंटीग्रेशन, पोलराइजेशन, ये कुछ
फिनोमेना थे जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो हाइजन ने कहा कि वेव नेचर ऑफ लाइट इसको एक्सप्लेन कर लेता है, वेव नेचर लाइट का होता है। लेकिन लोगों ने नहीं माना उनकी बात। लेकिन कुछ सालों के बाद एक साइंटिस्ट आए जो जिनका नाम ही था यंग। क्या नाम था? यंग। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSE, ये 12th में पढ़ाया जाता है। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट ने देखो हाइजन थे, उन्होंने उनके पास कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं था, बस थ्योरी थी कि ये वेव नेचर होती है। लेकिन यंग ने क्या किया, यंग ने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, और उस एक्सपेरिमेंट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, जिसमें ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट को भी बाद में आके मैक्सवेल ने बताया कि ये लाइट जो है वो ड्यूअल नेचर होती है, क्योंकि यंग ने जब एक्सपेरिमेंट कर दिया तो ये तो हो गया कि हाँ वेव नेचर होती है। लेकिन फिर आइंस्टाइन आए और आइंस्टाइन ने फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला जो फिनोमेना था वो किया, और उससे फिर से ये पार्टिकल नेचर के ऊपर आ गए। क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि हाई एनर्जी फोटोन यानी लाइट जब आप किसी मेटल पर डालते हैं तो वो हाई एनर्जी फोटॉन्स होते हैं और वो उसमें से क्या निकाल देते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं। तो फिर वो मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर कौन निकालेगा, जिस जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो और आके वो उससे टकराए और वो उसने बाहर निकाल दिया उसको। तो ये वेव नेचर के बिल्कुल अगेंस्ट था। तो फिर से ये बात होने लगी कि नहीं, न्यूटन सही थे, पार्टिकल नेचर वाला मामला फिर से लोगों के दिमाग में आ गया। फिर मैक्सवेल आए, मैक्सवेल ने पूरा झगड़ा शांत कराया। उन्होंने कहा लाइट जो है वो वेव नेचर भी दिखाती है और पार्टिकल नेचर भी दिखाती है, यानी वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी जिसको बोलते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट को। फिर मैक्सवेल ने आके उस पर ये बात कही कि ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट होता है, और उसके बाद फिर डी ब्रॉय का हाइपोथेसिस है कि वो कब पार्टिकल नेचर शो करेगी, कब वेव नेचर शो करेगी, ये आप लाइट को देख के आइडिया नहीं लगा सकते। यानी कोई लाइट आपकी तरफ आ रही है तो आप खाली देख के नहीं पता लगा सकते ये लाइट पार्टिकल नेचर में आ रही है या वेव नेचर में, वो जब इंटरेक्ट करेगी किसी मैटर से उसके बाद ही पता चलेगा। खैर वो उसमें नहीं जा रहे हैं अभी हम, क्वांटम थ्योरी। तो यहाँ तक की जर्नी समझ में आई कि क्या था, न्यूटन ने क्या बताया और वो कौन कौन से फिनोमेना थे जो पार्टिकल नेचर जिनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जिसकी वजह से फिर वेव नेचर के ऊपर काम किया। और वेव बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी में रिपल्स बनते हैं, भाई पानी में जब आप कोई पार्टिकल डालते हैं तो रिपल्स बनते हैं, और रिपल्स कैसे होते हैं पानी में जो बनते हैं बताइए, ऐसे होते हैं ऐसे सर्किल, हाँ तो सर्कुलर नेचर के होते हैं रिपल्स। ठीक है, और उन्हीं को हम ग्राफ पे जब बनाते हैं तो वो क्रेस्ट और ट्रफ बन जाते हैं ऐसे वाले, ये वाले देखेंगे। ठीक है, या फिर एक ऊपर बन रहा होगा एक नीचे होगा तो वो ट्रफ कहलाएगा। तो पानी में जैसे रिपल्स बनते हैं, जो वेव बनती है, ठीक उसी नेचर की ये लाइट वेव भी आपकी होती है। ठीक है, और दो लाइट वेव जब आपस में मिलती हैं आके तो फिर वो इंटरफेरेंस बनाती हैं, और वहीं से फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनती है, उसको हम लोग कभी एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ेंगे, वो थोड़ा आगे लेवल की चीज़ें हैं। तो ये पूरी जर्नी थी लाइट की, कि लाइट पार्टिकल नेचर से स्टार्ट हुई और फिर उसको लास्ट में आके ठप्पा लगा कि वो वेव और पार्टिकल दोनों तरह के नेचर शो करती है। उसका रीज़न भी हमने बताया कि न्यूटन कहाँ कहाँ पे, न्यूटन का जो पार्टिकल नेचर है वो कौन कौन से फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। और सबसे बड़ी बात कि जो डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है, इसको वेव नेचर ने एक्सप्लेन किया। ठीक है, इसको वेव नेचर ने ही एक्सप्लेन किया और मैथमेटिकली प्रूफ किया बाकायदा। और जो स्नेल्स का लॉ आप लोग पढ़ते हैं, भाई दोनों में पढ़ते हैं स्नेल्स लॉ, रिफ्लेक्शन के केस में भी स्नेल्स लॉ पढ़ते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और यहाँ पढ़ते हैं जब आकर उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में साइन आई अपॉन साइन आर वाला इक्वल टू स्पीड का रेशियो निकालते हैं, और फिर वहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो निकलता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास में। तो ये सब प्रूव हुआ किससे, मैथमेटिकली, वेव नेचर ऑफ लाइट से। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में ये प्रूव नहीं हो पा रहा था, वेव नेचर ऑफ लाइट से मैथमेटिकली इसको प्रूव किया गया है, जो कि आप लोग 12th में जाएंगे जब तो वहाँ पे पूरा आपको कराया जाएगा, या हम लोग कभी कोई एक्स्ट्रा क्लास में कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो हमें अभी फिलहाल के लिए इतना समझना था, थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देना था कि लाइट की जर्नी कहाँ से शुरू हुई और फाइनली आज लाइट को क्या समझा जाता है। तो हम लोग जो लाइट के बारे में जितनी चीज़ें पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, वो क्या मानते हुए पढ़ रहे हैं लाइट को, वो लाइट की वही, हाँ लाइट को पार्टिकल मानते हुए ही पढ़ रहे हैं, या रे मानते हुए कह सकते हैं, या वही कॉर्पस्कुलर थ्योरी जो न्यूटन ने दी थी उसी के हिसाब से हम लोग ये सारी चीज़ें निकाल रहे हैं। वेव नेचर, वेव ऑप्टिक्स एक अलग पूरा ब्रांच है जो आप पढ़ेंगे जाके 12th में। ठीक है, इसमें किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन तो नहीं है, कुछ ना समझ में आया हो तो बोलिए। क्लियर? हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो जल्दी बोलिए। वेव नेचर के लॉज पे बनाते हैं, ये कहना सही है।
तो वो तो सही बात है ना, तो अगर जो कुछ गलत हो गया उसको थोड़ी ना ले लेंगे हम लोग। हम लोग मानते हैं ना डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाती है, तो लॉज हम उसी के मानते हैं जो चीज़ें प्रूव हो चुकी हैं। लेकिन लाइट को तो रे मान रहे हैं ना कहीं पार्टिकल नेचर तो लाइट का एक्सेप्ट करके ही चल रहे हैं आगे यहाँ पे। अदरवाइज अगर यहाँ पे हम वेव शो करेंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स फिगर बनेंगे, है ना, फिगर बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। रे में चीज़ें आसान हो जाती हैं बताना, बस और कुछ नहीं है। अब YDSC से क्या हाँ नहीं, बियॉन्ड डाउट नहीं था। उसमें भी चीज़ें थी जो कई, अभी आप पढ़ेंगे जब YDSC के बारे में तो उसमें पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें यंग्स एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। लेकिन यंग्स इतना तो मतलब इतना तो उन्होंने साबित कर दिया था कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर के अलावा भी कुछ है, ठीक है, यानी वेव नेचर को आप उसको जब देखेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को तो आप ये मानने पे मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि अगर इंटरफेरेंस हो रहा है, यानी वो स्पॉट बन रहे हैं ब्राइट डार्क, और आपको ये पहले से पता है कि ऐसे स्पॉट सिर्फ वेव के मिलने से ही बनते हैं, है ना, अगर आपको ये पहले से पता है कि दो वेव जब आपस में इंटरफेयर करती हैं तभी ऐसे स्पॉट्स बनते हैं, जब वहाँ पे जहाँ पे ब्राइट है वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, जहाँ पे डार्क है वहाँ डिस्ट्रक्टिव। यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है भी समझ लो, जहाँ पे किसी भी दो वेव के क्रेस्ट और क्रेस्ट मिल जाएं, है ना, जहाँ पे दो वेव ऐसे मिल रही हूँ उनके क्रेस्ट और क्रेस्ट मिले। तो सोचो अगर दो वेव के क्रेस्ट और क्रेस्ट मिले, ये देखिए एक वेव, हमने साउंड में शायद ये पढ़ाया भी है आपको कभी, शायद लास्ट ईयर पढ़ाया था, है ना। तो ये हाँ देखिए, एक ये वेव है और एक और वेव है, ठीक है, दोनों के ये देखिए एक वेव ये है इस तरह से मान लो, है ना। अब देखिए क्रेस्ट और क्रेस्ट मिल रहे हैं ना दोनों वेव के, बोलिए ये क्रेस्ट इसका, ये क्रेस्ट इसका। तो अल्टीमेटली जो रिजल्टेंट वेव बनेगी, देखिए वो कैसी बनेगी, वो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो काफ़ी बड़ा होगा, ये देखिए काफ़ी बड़े एम्पलीट्यूड की बनेगी। तो इसको कहा जाता है जो इन दोनों का इंटरफेरेंस हो रहा है क्रेस्ट क्रेस्ट का, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कौन सी चीज़ बढ़ जाती है बताइए, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, ये बताए एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। एम्पलीट्यूड देखिए बहुत बड़े बड़े होंगे, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड, ये छोटा वाला व्हाइट वाली थी और ये रेड वाले का एम्पलीट्यूड, दोनों मिल गए तो कंबाइंड इफेक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिखेगा आपको। ये देखिए डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव में एक का क्रेस्ट मिलता है एक का ट्रफ मिलता है, ये देखिए कुछ इस तरह से। अगर एक का सपोज करो रेड वाली है, रेड वाली का क्रेस्ट मिला और वाइट वाली का ट्रफ मिला, ये देखिए ऐसे कुछ है, ये देखिए, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को, ये इसको नीचे खींचेगा इसको ऊपर खींचेगा, तो सोचो क्या होगा, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो बनता है वो डार्क फ्रिंजेस बनती हैं, डार्क फ्रिंज बनती हैं, और यहाँ पे फ्रिंज मतलब वही स्पॉट्स बनते हैं, और यहाँ पे ब्राइट स्पॉट बनेगा। और ब्राइट स्पॉट सिर्फ क्रेस्ट टू क्रेस्ट मिलने से ही नहीं बनेगा, ट्रफ टू ट्रफ मिलने से भी बनेगा, क्लियर है। तो ट्रफ टू ट्रफ मिलेंगे तो भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, क्रेस्ट टू क्रेस्ट मिलेंगे तो भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और अगर क्रेस्ट टू ट्रफ मिलेंगे तो आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो हमें ये पता था इस तरह के इंटरफेरेंस आपकी वेव ही बनाती है। तो अगर पहले से एक रिजल्ट मालूम है तो अप्लाई करेंगे ना आप जब देखेंगे उसको कहीं और उसका इफेक्ट, तो इसलिए वो सही था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, कि उससे ये बात साबित हो रही थी वहाँ पे क्या हो रहा था, दो डबल स्लिट ले ली गई थी ऐसे ऐसे ऐसे, और इसमें से लाइट को मान लीजिए ये टॉर्च आपने रख दी यहाँ पे दोनों जगह, ये अब यहाँ पे स्क्रीन लगा दी। अब सोचो अगर लाइट जो वेव नेचर नहीं है अगर, तो यहाँ पे ये जो स्पॉट्स बन रहे हैं, कहीं पे ब्राइट बन रहा है फिर कहीं पे डार्क है, इस तरह के स्पॉट्स, ये स्पॉट्स आपको तभी मिलेंगे जब आप इसको रे ना माने, ऐसे ना माने कि अगर रे निकल रही है तब तो बस यही दोनों जगह बनना चाहिए, है ना, बोलो ए और बी पे, ये बाकी कहाँ से आए, तो बाकी कहाँ से आए, बाकी कहाँ से आए, वो उसका जवाब ये है आपका, देखिए ध्यान से, कि वो वेव नेचर की थी लाइट एक्चुअली। और वेव नेचर में क्या होगा कि वेव कैसे निकलती हैं आपको पता है, ये इस तरह से है ना ऐसे, हाँ तो ये वेव ऐसे निकल रही हैं। अब देखो दोनों मिल रही हैं, देखो यहाँ पे देखो मिली, ये देखिए ये यहाँ मिलेंगी, ये ऐसे, तो ये जो वेव जब इंटरेक्ट करेंगी तो इंटरफेयर करेंगी एक दूसरे से, इंटरफेयर करेंगी तो ये दो ही फिनोमेना होंगे, या तो ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगी यानी उनका क्रेस्ट क्रेस्ट मिल जाएगा, ट्रफ ट्रफ मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, या तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो या तो आपको डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी और या तो ब्राइट स्पॉट मिलेंगे। तो पहले से हमें ये पता था रिजल्ट कि ये वेव ही कर सकती है ऐसा, तो लाइट को भी वेव होना पड़ेगा, तो इसका मतलब लाइव वेव नेचर शो
करती है। ये डबल यंग डबल स्लिट से प्रूफ हुआ, यही डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था। दो स्लिट है यानी दो ओपनिंग, स्लिट मतलब दो ओपनिंग, ये दो ओपनिंग से लाइट भेजी गई है ना और सामने स्क्रीन लगा दी गई। समझ में आया? चलिए हाँ, और हमें क्या डिस्कस करना था अभी? हाँ देखिए ध्यान से एक चीज, ये मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है ठीक है, और यहाँ पे आपका मिरर रखा हुआ है और ये इमेज है इसकी ठीक है। अब एक चीज देखिए आप कि मिरर को, अब तीन एक्सिस है मान लीजिए ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अगर हम इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं तो मिरर को अगर आप इधर, मिरर को अगर आप इधर पुश कराते हैं, भगाते हैं, तो अगर पहले समझिए ऑब्जेक्ट और इमेज में, ए है ये और ये इसकी इमेज है ए डैश। तो अगर ऑब्जेक्ट ए इधर 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भागेगा तो बताओ इमेज कितने से भागेगी? इमेज कितने से हाँ इमेज भी 2 मीटर पर सेकेंड से भागती हुई दिखेगी। इतनी बात क्लियर है? लेकिन अगर आपसे कहे कि मिरर भाग रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, तो बताओ इमेज कितने से भाग रही होगी? अगर आपसे कहे कि ऑब्जेक्ट नहीं भाग रहा, ऑब्जेक्ट वाले तो आसान हो जाता है केस, आपको पता है 2 मीटर से भागेगा, 2 मीटर से इमेज भी भागेगी। लेकिन अगर कहे मिरर भाग रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, तो आप सिनेरियो बताइए क्या होगा? थोड़ी देर का सिनेरियो, थोड़ी देर बाद का डिसाइड करते हैं कि क्या होगा। अगर मिरर भाग रहा है तो 1 सेकेंड के बाद मिरर कहाँ होगा बताओ? 1 सेकेंड के बाद मिरर 2 मीटर इधर आ चुका होगा, हाँ 2 मीटर क्लोजर आ चुका होगा, ये 2 मीटर है। 2 मीटर अगर ये क्लोजर आ चुका है तो ये मान लीजिए पहले डिस्टेंस कितनी थी यहाँ से यहाँ तक मिरर तक की, मान लेते हैं 10 थी ठीक है, तो इमेज भी कितने पे बन रही थी? 10 पे बन रही थी। क्लियर है? 10 सेंटीमीटर या मीटर जो भी थी। अब बताइए मिरर यहाँ आ चुका है, यानी ये डिस्टेंस कितनी हो गई बताइए? 8। अब आप बताइए यहाँ से इमेज कितने पे बननी चाहिए? 8 पे। अरे 8 पे बननी चाहिए ना यहाँ से, 8 पे हाँ, तो यहाँ से मिरर 8 पे इमेज बननी चाहिए, नहीं इमेज यहाँ पे बननी चाहिए। अब आप बताइए कि ये ओरिजिनल पोजीशन से कितना आगे आई है? 2 मीटर। अरे यार 2 कहाँ आई है भाई? ये वाला 2 लेंगे और यहाँ से कितना लेंगे आप? 8 से 2 ही तो लेंगे यहाँ से, हाँ तो ये अपना ओरिजिनल पोजीशन से 4 मीटर आगे आ गई है। और 4 मीटर कितनी देर में? 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में ना, 1 सेकेंड में ये आगे आया 2 मीटर और इमेज कितनी आगे आई 1 सेकेंड में? 4 मीटर। तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि अगर मिरर 2 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है तो इमेज कितने से भागेगी? उसका डबल, 4 से। हाँ तो ये याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट भाग रहा है जितने से, इमेज भी उतने से भागेगी, लेकिन अगर मिरर भाग रहा है तो फिर इमेज उसके डबल से भागेगी। इतना क्लियर है? बताओ जल्दी। हाँ सब बच्चे बोलें, जल्दी से बोलें, फिर आगे चलते हैं हम लोग। हाँ क्लियर है ठीक है। अब एक चीज देखिए, हाँ इस ऑब्जेक्ट को हम लोग एक्स एक्सिस में ही तो मूव करा रहे हैं, सॉरी मिरर को, मिरर को किधर मूव करा रहे हैं? एक्स एक्सिस में मूव करा रहे हैं। अगर आपसे बोले कि मिरर आपका वाई एक्सिस में मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, वी वाई, तो बताइए कि जो इमेज है वो कहाँ दिखेगी, कितना शिफ्टेड होगी, तो क्या बोलेंगे बताइए? देखिए ध्यान से, कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ठीक है, और पहले मिरर यहाँ पे रखा हुआ था, उसकी इमेज भी यहाँ पे बन रही थी। क्लियर है? अब आपने इस मिरर को वाई डायरेक्शन में चला दिया ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ चलाया तो मान लेते हैं ये मिरर यहाँ पहुँच गया। अब बताइए क्या इमेज की पोजीशन शिफ्ट होगी या इमेज वहीं रहेगी? इमेज की पोजीशन शिफ्ट तो होगी नहीं भाई, रेज तब दूसरी तरह से आएंगी है ना भाई, रेज दूसरी तरह से आएंगी। अब खुद सोचिए कि रेज दूसरी तरह से आएंगी कहीं से, तो आप खुद सोचिए यहाँ से मान लीजिए रेज ऐसे निकली ठीक है, ये रे निकली यहाँ चली गई, अब ये वाली रे को अगर आप बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो मिलेगी तो वहीं ना जाके। तो आप ध्यान रखिएगा कि इमेज में कोई डिफरेंस नहीं होगा अगर आप मिरर को वाई एक्सिस में घुमाते हैं। सिमिलरली अगर वो बोले कि जेड एक्सिस में आप मिरर को चला रहे हैं जेड वी जेड वेलोसिटी से, बताइए इमेज में क्या चेंज आएगा? क्या चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा। इमेज में चेंज सिर्फ तब आएगा जब आप मिरर को किस डायरेक्शन में घुमाएं? एक्स एक्सिस में, हाँ एक्स एक्सिस में किसी भी वेलोसिटी से आगे भगा रहे हैं अगर आप, तो इमेज उसका डबल वेलोसिटी से आगे भागने लगेगी। इतनी बात क्लियर है सबको? हाँ ठीक है, चलिए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कराते हैं।
देखिए क्वेश्चन दे रखा है आपको कि एक मिरर है, ठीक है, इस तरह से उन्होंने, और इस मिरर के बारे में दे रखा है कि ये आपका वी वाई जो इसका दे रखा है वो है 6 मीटर पर सेकेंड, वी जेड दे रखा है 6 मीटर पर सेकेंड यानी जेड डायरेक्शन में, और वी एक्स दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड। ये ऑब्जेक्ट है, आपसे पूछा है बताइए इमेज कहाँ बनेगी। मतलब इमेज, सॉरी नहीं नहीं इमेज के बारे में पूछ रहा है कि इमेज कितनी वेलोसिटी से आगे भाग रही होगी। 6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है सबको? क्यों? ये इन दोनों का असर नहीं पड़ेगा इसके ऊपर कोई भी, ठीक है, इनका दोनों का कोई असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स वाली असर डालेगी। तो अगर मीटर वो सॉरी जो मिरर है वो किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से एक्स डायरेक्शन में भाग रहा है तो इमेज जो है वो उसका डबल वेलोसिटी से आगे बढ़ती है, अभी हम पीछे देख रहे हैं। तो इन दोनों वेलोसिटीज़ का उसकी मोशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन को और थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स ही बना रहे हैं। अभी तक हमने ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी रखा था, ज़रा इसमें रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ठीक है। ये आपका मिरर हो गया, ठीक है, मिरर मान लीजिए इधर भाग रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, और ये ऑब्जेक्ट आपका इधर भाग रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, ये इमेज होगी। ऑब्जेक्ट इधर भाग रहा है, ठीक है। अब नीचे जो आपको लेंथ दे रखी है, ये वाला जो पूरी डिस्टेंस है आपकी, मान लेते हैं यहाँ पे, हाँ वी आई, ये इमेज है आपकी, तो वी आई निकालना है आपको, बताइए कैसे निकालेंगे। कितना? 8 10 मीटर पर सेकेंड 8। क्वेश्चन ये है, एक मिनट, क्वेश्चन ये है कि मिरर इधर भाग रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, ऑब्जेक्ट इधर भाग रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इधर मिरर की तरफ भाग रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, इमेज की 8 मीटर पर सेकेंड, सभी का 8 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। चलो करवा दें या छोड़ दें, बताओ जल्दी से। करवा दीजिए, ठीक है। मान लो ये डिस्टेंस d है तो इमेज भी d पे बनेगी। yes, हाँ ठीक yes. है। अब सिनेरियो लेते हैं एक सेकेंड बाद क्या होगा, देखिए ध्यान से। एक सेकेंड बाद आपका जो ये मिरर है वो कितना आगे चला जाएगा, 3। हाँ तो ये यहाँ कहीं होगा, ये कितना आगे चला गया है, 3। अच्छा एक सेकेंड के बाद ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, आगे होगा थोड़ा, मान लेते हैं यहाँ पे है, तो ये ऑब्जेक्ट आपका ओरिजिनल से कितना आगे चला गया, 2 आगे चला गया। इतना क्लियर है सबको, बताइए। यस सर। यस सर। यस। तो इधर इधर की डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, एक सेकेंड के बाद का सिनेरियो अगर हम लें तो। अब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया है तो ये वाली डिस्टेंस बताओ जरा कौन कितनी होगी, ये वाली, ये पहले d मानी थी, ध्यान रखना। नहीं, हाँ d-5, कौन बोला, बिल्कुल सही बोला, d-5 ना, ये 2 मीटर आगे आया, ये 3 मीटर इधर आया, तो रिलेटिव वेलोसिटी तो इनकी 5 है ना, तो 5 हो गई ना टोटल, भाई 3 इन्होंने कवर किया, 2 इन्होंने कवर किया, तो टोटल 5 कम हो गई, तो d-5 होगा, बोलो। हाँ अब आप बताइए, यहाँ अगर d-5 है तो यहाँ भी d-5 पे इमेज बननी चाहिए अगली, बोलिए। इतनी बात क्लियर है, देखो ध्यान से जल्दी से। yes. क्या ये d-5 पे बननी चाहिए, सही है, बननी चाहिए। अब ये बताइए कि ये वाली डिस्टेंस हमको नहीं पता है ना, ये कितना आगे आया, मान लेते हैं ये x आगे आया, पता है क्या कि इमेज कितनी आगे आई, अभी इमेज कहाँ है ये तो पता है, लेकिन इमेज कितनी आगे आई ये तो नहीं पता है। अब आप मुझे बताइए, हाँ कितना बेटा, 2 मीटर पता ना, इमेज ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है इधर, अभी तो यहाँ तो रिलेटिव वेलोसिटीज निकाली गई हैं, तो ये एक्चुअल में कितना थी वो भी हमको नहीं पता था ना, डी माना है ना हमने यहाँ पे, तो हम ये कैसे कह देंगे यहाँ से 2 मीटर वापस आई है, तो हम अभी मानते हैं कि एक्स वो आगे आई है। अब आप बताइए
कि ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, 2d है ना ये टोटल डिस्टेंस। नीचे से टोटल डिस्टेंस निकालो कितनी आएगी, d माइनस फाइव, ये वाला भी d माइनस फाइव, d माइनस फाइव प्लस d माइनस फाइव प्लस x, यही है ना। देखो ध्यान से नीचे वाली डिस्टेंस देखिए, सही निकाली। हाँ, अब इसको इक्वेट कर दो इससे 2d के, आपको पता चल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2d माइनस 10 प्लस x इक्वल टू 2d, ये कैंसिल हो गया। x ये डिस्टेंस, ये एक सेकेंड में कितना आ गया है इमेज यहाँ से, यहाँ हाँ x आ गया 10। तो बताइए एम एच की वेलोसिटी कितनी आ गई, 10 आ रहा है, सही निकाला है, 10 आ रहा है या 8 आ रहा है, तो 10 ही आ रहा है। हाँ, 10 ही आ रहा है, कुछ मिसिंग है मुझे लग रहा है। हाँ, एक चीज़ मिसिंग है, अरे ये 2 तो छोड़ दिया हमने ना, इधर वाला ये भी तो 2 है, पूरा लेंगे। अरे ये 2 छोड़ दिया ना, d माइनस फाइव तो इतना ही है ना, ये d माइनस फाइव तो इतना ही है, इधर का 2 भी तो छोड़ा है, तो प्लस 2 करिए तो कितना आएगा x की वैल्यू, अब चेंज हो जाएगी। भाई 2 छोड़ा है, ये नहीं समझ में आया, ये जो 2 छोड़ा है यहाँ पे हमने, d माइनस फाइव तो इतना ही है ना, ये ऊपर वाली डिस्टेंस तो पूरी ले रहा है ना, अब d ये पूरी, तो सोचो अगर 2 माइनस, अगर आप d माइनस फाइव तक लोगे तो सब इतनी आ रही है। देखो यहाँ से ये वाली इधर की छूट रही थी, इधर कितना छूट रहा था, इधर जितना ऑब्जेक्ट आगे गया उतना ही छूट रहा है, तो 2 मीटर आगे गया ऑब्जेक्ट, तो 2 यहाँ पे ऐड कर दीजिए खाली। तो अब बताइए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी निकल के यहाँ से, हाँ 10 माइनस 2 हो जाएगा, यानी 8। तो यानी इमेज की वेलोसिटी है आपकी 8 मीटर पर सेकेंड। सवाल अच्छा है, बोलो समझ में ना आया हो तो फिर से समझा दें। हाँ, इसमें ये कह रहा था कि मिरर जो है वो लेफ्ट साइड में भाग रहा है कितनी स्पीड से, 3 मीटर पर सेकेंड। ऑब्जेक्ट मिरर की साइड पे भाग रहा है, मिरर की तरफ भाग रहा है कितना, विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। फिर आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि जो इमेज है वो कितने स्पीड से आगे जाएगी। ठीक, अब हमने क्या किया, हमने मान लिया कि अगर ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की पहली डिस्टेंस कितनी है, डी है, तो इमेज भी डी पे बन रही होगी, ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की, तो इमेज भी उतनी दूरी पे बन रही होगी। अब हमने एक सेकेंड के बाद का सिनेरियो निकाल लिया कि एक सेकेंड के बाद ऑब्जेक्ट कितना आगे चला गया होगा, मिरर कितना इधर आ गया होगा, और ये जो आपकी इमेज है वो कितना इधर शिफ्ट हो गई होगी। तो हमने यहाँ देखा कि ऑब्जेक्ट आपका 2 मीटर इधर गया और मिरर 3 मीटर ऑब्जेक्ट की तरफ गया, तो यहाँ 2 मीटर कम हो गया, यहाँ 3 कम हो गया, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस थी ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच वो d माइनस फाइव हो गई। पहले d थी, अब 5 कम हो गई, d माइनस फाइव। इसका मतलब अब जो इमेज बनेगी एक सेकेंड के बाद वो इधर d माइनस फाइव की ही डिस्टेंस पे बनेगी। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट था, सॉरी जो इमेज थी वो d माइनस फाइव पे है यहाँ पे। इसका मतलब जो इमेज है वो यहाँ से अपनी ओरिजिनल पोजिशन से मूव कर गई कुछ ना कुछ आगे, कितना कर गई हमें नहीं पता था, तो हमने x मान लिया कि ये यहाँ से x शिफ्ट हुई होगी। अब इस पूरी लाइन की जो डिस्टेंसेस हमने मानी हुई थी उन सबको ऐड किया, और ऊपर जो डिस्टेंस थी यानी d प्लस डी, डिस्टेंस तो बराबर रहेगी ना, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस सेम रहेगी, तो नीचे की सारी डिस्टेंस को ऐड कर लिया हमने यहाँ पे, 2d माइनस 5, d माइनस 5, x, इन सबको ऐड किया, और ऊपर d प्लस डी यानी 2d इनके बराबर कर दिया। जब इक्वेट कर दिया तो x की वैल्यू पता चल गई हमको। x की वैल्यू क्या है, यानी एक सेकेंड में मिरर कितना शिफ्ट, सॉरी वो इमेज कितनी शिफ्ट हुई एक सेकेंड बाद, तो एक सेकेंड बाद मिरर 8 मीटर शिफ्ट हुई। तो इसका मतलब मिरर हर सेकेंड 8 मीटर शिफ्ट होगी अगर ये लोग इसी तरह से मूव करते रहे, तो मिरर की स्पीड क्या आ जाएगी, 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? हाँ सर, एक चीज मैं कंफ्यूज आ रहा हूँ, रिलेटिव वेलोसिटी बाहर पे होती है। हाँ, तो जब सर जैसे दो बॉडीज एक ही लाइन में एक ही डायरेक्शन में चल रही है, तो सर उन्होंने की वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो जाती है, और जब कोई दूसरी तरफ आ रही है फिर ऐड हो जाती है। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि लॉजिकली समझो ना, अगर वो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो एक दूसरे की डिस्टेंस को सपोर्ट कर रहे हैं ना, कवर करने में, थोड़ा तुम कर लो बाकी हम कर ले रहे हैं, ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है। और जब वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सोचो इसने इसके पास आने के लिए इतनी डिस्टेंस कवर की, उतनी देर में ये और आगे निकल गया, तो ये सपोर्ट कर रहा है या और इसको भगा रहा है, और इसके लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है, ये और आगे आया ये और दूर चले गए, तो ये सपोर्ट नहीं कर रहे ना, तो ऐसी कंडीशन में सब्ट्रैक्ट होती चली जाती हैं वेलोसिटीज। लेकिन जब दोनों एक ही डायरेक्शन एक ही के पास आ रहे हैं, थोड़ी तुम कर लो थोड़ी हम कर लें, तो थोड़ा सा पास आ गए और पास आ गए, तो इसमें ऐड हो जाती हैं दोनों, जब सपोर्ट करेंगे तो ऐड हो जाएंगी, ठीक है, या अपोज करेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। क्लियर है, बताइए।
हाँ क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं, काफ़ी कॉन्सेप्ट हैं। अगला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, वो है फील्ड ऑफ व्यू का, ठीक है। फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक आपका ये मिरर रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हम ऐसे बनाते हैं, ये मिरर है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे कहीं बनी आए। अब अगर आपसे पूछा ये जा रहा होता है कि बताइए कितनी दूरी तक आप इस ऑब्जेक्ट को मिरर में देख सकते हैं, उसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। कितनी दूरी तक आप इस ऑब्जेक्ट को मिरर में देख सकते हैं उसको बोलेंगे हम फील्ड ऑफ व्यू। अब आप बताइए, एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, जब किसी पॉइंट सोर्स से, जैसे पॉइंट सोर्स है ना, पॉइंट सोर्स माना है हमने ऑब्जेक्ट को, जब किसी पॉइंट सोर्स से रेज निकलती हैं तो वो रेज जो होती हैं वो डाइवर्जिंग नेचर की होती हैं। कैसी? डाइवर्जिंग नेचर की, यानी फैलेंगी, वो ऐसे फैल गई ना, बोलो। हाँ, जब किसी पॉइंट सोर्स से रे निकल के मिरर पे पड़ेगी तो वो रे कैसी नेचर की होंगी? डाइवर्जिंग, ठीक है। तो ये डाइवर्जिंग रेज हैं। डाइवर्जिंग रेज यहाँ पे आके पड़ी, यहाँ पे आप नॉर्मल बनाएंगे, ये आपका नॉर्मल होगा यहाँ पे, बोलो, ये नॉर्मल बनेगा आपका, और नॉर्मल बनेगा तो ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगी कुछ, और इसकी भी इसको हटा देते हैं, कुछ ऐसे जाएगी, बोलिए सही बना है? और इन्हीं रेस को आप जब बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं तो वो आके आपकी जिस पॉइंट पे मिलती है वो इमेज क्या कहलाती है आपकी? ये इमेज है आपकी, वर्चुअल इमेज हो गई है। इतना क्लियर है? हाँ। अब आपसे पूछ रहा है कि फील्ड व्यू बताइए, फील्ड व्यू क्या है? थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे जगह ले लेते हैं। यहाँ से जा रही है, इसको यहाँ मान लेते हैं। अरे यार, ये रिफ्लेक्टेड रेज है। अब आप खुद बताइए कि ये जो एरिया है, इस एरिया में अगर कोई आदमी यहाँ पे होगा, सपोज खड़ा होगा, तो बताइए उसको इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस मिरर में दिखेगी? बोलो। यहाँ पे होगा तो भी दिखेगी? बोलो। ये सब एरिया है जहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट, किसी पर्सन को खड़ा करिए तो वो इस ऑब्जेक्ट की इमेज को, इस वाली इमेज को इस मिरर में देख पाएगा, इतना कहीं पे भी होगा इस पोजीशन में। लेकिन यहाँ पे इसके बाहर अगर हम ले लें, यहाँ पे खड़ा है सपोज करो, अगर वो नहीं देख पाएगा, या इसके बाहर यहाँ पे ले लीजिए, यानी ये जो जो लाइनें हमने ड्रॉ की हैं, इन दोनों लाइनें के ऊपर और इधर नहीं दिखेगा ना। अब यहाँ कैसे देखेगा? सपोज करो यहाँ पे खड़ा हुआ है वो, तो यहाँ से कैसे देखेगा? यहाँ से देखेगा तो कहाँ, मिरर दिख ही नहीं रहा उसको, तो पीछे थोड़ी ना देख लेगा जाके, भाई मिरर में ही देखेगा ना इमेज तो। तो ये जहाँ तक वो इमेज को देख पा रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसको बोलते हैं फील्ड व्यू। तो इसका फील्ड व्यू ये इतना सा है, ठीक है, इसके बाहर कुछ भी नहीं दिखेगा, इसको बोलते हैं फील्ड व्यू। क्लियर है? समझ में आया? हाँ। अच्छा, फील्ड व्यू पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। फील्ड व्यू पे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, एक बात को ध्यान रखिए यहाँ पे, कि इसको मिटा देते हैं पहले। ये आपका मान लेते हैं नॉर्मल है एक, ठीक है। फील्ड व्यू पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ये वाली हाइट या डिस्टेंस पूछी जा सकती है, ये फील्ड व्यू कितना है मीटर में बताओ। तो इसको निकालने का एक तो फॉर्मूला होता है, दूसरा आपका सिमिलरिटी वाला एक तरीका है। क्या करें, फॉर्मूला बता दें या डायरेक्ट, या वो बताएं सिमिलरिटी वाला जो तरीका है निकालने का? सिमिलरिटी पढ़ी आप? सिमिलरिटी से फॉर्मूला बताएं। अच्छा अच्छा, ये अच्छा है, चलिए ठीक है। कितना टाइम है अभी हमारे पास, कर पाएंगे हम लोग? चलो काफ़ी है, ये एच मान लेते हैं, ठीक है, ये वाले डिस्टेंस को आप डी मान लीजिए। अच्छा, यहाँ पे कौन से दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं जो सिमिलर दिख रहे हैं, कोई पता लगा के बताए? दोनों की अलग अलग मान लेते हैं, ये वाला बाहर वाले को आप डी मान लीजिए,
और अंदर वाले को हम स्मॉल डी मान लेते हैं, इसको कैपिटल डी और ये स्मॉल डी। कौन से दो ट्राइंगल हैं जो सिमिलर दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे नाम रख देते हैं पी और ये हो गया क्यू, बताइए। हाँ ट्राइंगल आई नाम, ये वाली जो लाइन है इसका पूरा नाम रखना ज़रूरी है पहले, ये कहाँ तक जा रही है आपकी, ये यहाँ जा रही है मान लो ए पे मिल रही है, क्योंकि अगर आप वो वाला व्यू छोड़ देंगे तो कैसे निकालेंगे, ये मान लो बी पे मिल रही है आपकी। अब बताइए दो ट्राइंगल कौन कौन से हैं। हाँ सही है, आई ए बी बड़ा वाला ट्राइंगल देखो ध्यान से दिख रहा है, आई ए बी और एक छोटा वाला ट्राइंगल उसी में बनाया आई पी क्यू, देखिए यहाँ बना रहे हैं आपके लिए अलग, ये हो गया आई, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, और दूसरा इसी में ट्राइंगल एक बना हुआ है इसके साथ ही, क्या आप देख पा रहे हैं ये वाला, ऐसे ये ए है ये बी है, देखिए अब दिख रहा है दोनों सिमिलर हैं, दोनों सिमिलर हैं। कैसे सिमिलर हैं ये तो बताया नहीं तुम लोगों ने, कैसे सिमिलर हैं? हाँ डबल ए, भाई एक एंगल तो कॉमन है ना आई वाला दोनों में, देखो और क्या है, हाँ पी क्यू ए बी पैरेलल है। अब हम लोग एक सभी लोग एक चीज़ जानते हैं कि अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं तो क्या होगा उनमें, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है, पढ़ा है? यस सर। करस्पॉन्डिंग साइड्स निकाल लेते हैं कौन कौन सी हो जाएंगी, करस्पॉन्डिंग साइड बताइए, इसको पूरा एम मान लेते हैं, ये बीच में एम है, और ये एन है, नॉर्मल गया था तो इसको एन मान लेते हैं। तो क्या इस तरह लिख सकते हैं हम आई एम, अगर छोटे वाले के ऊपर लिखें तो आई एन नीचे, ये किसके बराबर हो जाएगी इधर, हाँ पी क्यू अपॉन ए बी, ए बी चाहिए ना तो ए बी लेनी पड़ेगी ना हमको, यही तो लेंथ है पूरी फील्ड व्यू की, तो लेंथ तो हमें लेनी पड़ेगी, ये आ गया निकल के। अब क्या फॉर्मूला आ रहा है यहाँ से निकल के, सबकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, ख़त्म। आई एम कितना है, आई एम अभी हमने लिख के दिखा था यहाँ पे, यदि एम है ये मान लेते हैं अगर इसको, ये वाला ये डी है ना, देखिए ध्यान से ये भी डी होगा, अरे भाई ये भी तो डी होगा, जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की मिरर से उतनी इधर होगी, तो ये डी होगा, तो ये हो गया डी आपका निकल के यहाँ से। नीचे कितना आएगा आई एन की जगह पे, आई एन कितना होगा डी प्लस कैपिटल डी, कितना होगा सोच के बताइए, टू डी प्लस कैपिटल डी, बिल्कुल सही है। पी क्यू कितना हो जाएगा दूसरी साइड पे, एच, हाँ एच, एच मतलब क्या, हाइट ऑफ द मिरर, हाइट ऑफ द मिरर, ये डी क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये इमेज डिस्टेंस है ना, और ये कैपिटल डी क्या है ऑब्जेक्ट से वहां तक की दूरी है आपकी फील्ड व्यू तक की, तो वो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे नीचे, कितना हमें ये ए बी तो निकालना था हमें, तो ये आपका ए बी का फॉर्मूला आ गया डायरेक्ट बन के, कितना आया ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, एच इंटू 2d प्लस डी अपॉन डी, ये है डायरेक्ट फॉर्मूला। लेकिन ये फॉर्मूला याद मत रखो, सिमिलैरिटी से आराम से इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग कर सकते हैं। बोलो इतना समझ में आया, कहीं पे ना आया हो तो बताओ, फिर से एक्सप्लेन करते हैं, जल्दी बताइए। अच्छा इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं फिर ज़्यादा समझ में आ जाएगा अच्छे से, ये क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए आपको ये दे रखा है, ऊपर एक मिरर है ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ से 2 मीटर की दूरी पर O, ठीक है, ये आपका A है ये आपका B है ठीक है, आपसे फील्ड व्यू पूछ रहा है और लेंथ ऑफ द मिरर आपको दे रखी है 5 मीटर। चलिए भाई फाइंड फील्ड व्यू,
जल्दी बताओ, अगर ये क्वेश्चन लग गया तो पीछे वाला सवाल समझ में आ गया, ठीक है। ये यहां से यहां तक दे रखा है 3 मीटर, अरे आसान हो गया, कर रहे हो या करवाएं? देखो 17.5 देखते हैं। देखो ये ऑब्जेक्ट है, अच्छा ये इमेज, अच्छा बताओ इमेज ये होगी और ये भी 2 मीटर होगी, ध्यान से देखो। अच्छा जो मिर हम लोग वो बना रहे थे वो ऐसे जाएगा ना, ऐसे कुछ देखो ध्यान से, और ये ऐसे, यही तो बनाया था पिछली बार फिगर। और ये कितना होगा यहाँ पे, अरे ये यहाँ से यहाँ तक, ये भी 5, ये कितना है 2 है, और ये हाइट कितनी है 5 है। अब आपको ये निकालना है, खाली सिमिलैरिटी लगाइए, अब खत्म हो गया क्वेश्चन। सिमिलैरिटी लगाइए जितना भी आ रहा हो, फॉर्मूले से करेंगे, फॉर्मूले से करेंगे तो बहुत आसान है। हाइट कितनी दी है 5 दी है, और 2d का मतलब कितना, 2 × 2 प्लस कितना था कैपिटल डी 3 डिवाइडेड बाई डी यानी 2, ये हो गया फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला आपको याद है, फॉर्मूला यही था ना, d × 2d प्लस कैपिटल डी डिवाइडेड बाई डी, नहीं एच था यहाँ पे या क्या था, बोल रहा हूँ 2d प्लस एच, कहाँ पे था एच, स्टार्टिंग में था, ये एच है, ये है एच आपका, तो ये ए बी थी आपकी। तो इस फॉर्मूले में रखिए, देखिए कितना आ रहा है 35.2, 17.5, यही आपका उससे भी आ जाएगा अगर आप वो उससे निकालेंगे, तो उससे कैसे आ जाएगा बताइए, 5 बाई ए बी, बोलो अगर सिमिलर है तो 5 बाई ए बी सही है, अरे हाँ, और 2 बाई, ये 2 है तो इसकी पूरी साइड कितनी है, 2 + 2 + 3 कितना 7, ये देखिए, तो बस आ गया AB = ये ज़्यादा आसान है आपका फॉर्मूले से, 35/2 फॉर्मूला मत याद रखिए, सिमिलर होंगे ही होंगे, तो हमने इसकी छोटी साइड इसकी बड़ी साइड डिवाइड कर दिया, फिर इसकी छोटी साइड, ठीक है, और पूरे तो 2 है छोटी और पूरी कितनी है 7 है, क्लियर है सबको, बताइए। हाँ चलिए, कुछ और क्वेश्चन, अभी इंटरेस्टिंग कुछ और कॉन्सेप्ट रह गए हैं, लेकिन आपकी अगली क्लास है, हम लोग नेक्स्ट टर्न पे मिलेंगे और वहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, इसकी रिकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा, मिल जाएगी आपको। अरे हाँ आप